अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज हम बनाएंगे मालवनी चिकन करी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जार में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये हम ग्रीन पेस्ट रेडी करेंगे चिकन मैरिनेशन के लिए। उसमें अब हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और ये अदरक का टुकड़ा है एक छोटा वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसका पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम 1/2 किलो चिकन ले लेंगे, उसमें हम जो हमने पेस्ट ग्राइंड किए थे वो सारा ऐड कर देंगे। अच्छे से सारा निकाल लेंगे जार में से। फिर इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे। स्क्वीज़ करके अब हम इसमें 1/2 चम्मच मालवनी मसाला ऐड करेंगे। आप लोग चाहे तो थोड़ा, ये क्योंकि स्पाइसी होता है इसलिए ये 1/2 चम्मच हमने ऐड किए। और अब हम इसे मैरिनेट करके 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम एक पैन में 1/2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में, थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और ये 7 से 8 काली मिर्च, अक्खी साबित काली मिर्च और साबित धनिया ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। ऐड करके इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम करके, ताकि क्योंकि प्याज को पूरा पकाना नहीं है। और ये थोड़ा जो है सूखा खोपरा है ये भी ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छे से 3 से 4 मिनट इसे भून लेंगे। देखिए इस तरह से इसका कलर रखना है मीडियम फ्लेम करके। फिर जब इसकी अच्छी खुशबू आने लगे फिर इसे ठंडा करके हम गैस पे से उतार लेंगे, इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। उसके बाद हम एक पतीली में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, उसमें 1 प्याज चॉप बारीक की हुई ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे थोड़ा चलाते रहे ताकि ये प्याज जो है नीचे लगे ना, जलना नहीं चाहिए। देखिए इसका कलर सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम इसे कुक करेंगे, इसे पूरा वैसा कुक नहीं करना है बिरिस्ता जैसा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच भर के ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल होता है। फिर 1/2 चम्मच मालवनी मसाला ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे और जल्दी से पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाला जो है वो नीचे जल ना जाए, लगने ना लगे। पानी ऐड करके अब हम इसमें जो पेस्ट बनाए थे प्याज और खोपरे वाला वो इसमें ऐड कर देंगे। सारा पेस्ट जो है वो ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं मीडियम फ्लेम पर। फिर जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक इसे 3 से 4 मिनट भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए। अब हम इसमें और 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कलर के लिए ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो ऐड करें या नहीं। इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं होगा क्योंकि जो मालवनी मसाला होता है वो तीखा होता है, स्पाइसी होता है वो। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके जो अब मसाले का पानी था, जो मसाला था उसमें हम पानी ऐड करके इसमें डाल देंगे। फिर से इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें जो है नमक ऐड करेंगे। आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। ये 1/2 चम्मच नमक है। नमक डालकर भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम स्लो करके 10 मिनट तक चिकन को पकने देंगे, ताकि चिकन जो है पूरी तरह से पक जाए। फिर 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर, ये देखिए जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो गया है माशाल्लाह से। अब हम जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए थोड़ा चला लेंगे, इसे भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। इसे अच्छे से गैस की फ्लेम हाई करके 5 मिनट तक भून लेंगे। देखिए इसकी जो ग्रेवी है इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो है, एकदम गाढ़ी है, थिक है। ये ऑयल जो है सेपरेट हो गया है,
अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो डालें या ना डालें। घी डालने से एक अच्छा एक फ्रेग्रेंस अरोमा जो आता है बहुत अच्छा लगता है। फिर घी डाल के अच्छे से इसे फिर से भून लेंगे, अच्छे से जितना भूनोगे इतना टेस्ट आएगा। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, आप लोग को जितना उसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना ऐड करें पानी इसमें। देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करेंगे, देखिए आधा लीटर तक पानी गया है इसमें, आधा लीटर या उससे कम, आप लोग आपके हिसाब से डालें। और जब बॉईल आ जाए तो गैस की फ्लेम बंद करके उसमें हरा धनिया कट करके डाल देंगे और हमारा मालवनी चिकन करी जो है वो तैयार हो गया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे, आप लोग इसे रोटी के साथ, ज़ीरा राइस के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अब देखिए तोड़कर, देखिए इस तरह से चिकन देखिए माशाल्लाह से पूरा कुक हो गया। देखिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है, अच्छी लगती है। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।